Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Our today's topic is visual perception, also known as vision. इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था उसमें हमने जो परसेप्शन की डेफिनेशन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, उसको देखा, नर्व सेल्स को डिस्कस करा और कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स जो हो सकते हैं उन्हें देखा. सेंसरी रिसेप्टर्स हमने तीन तरह के देखे थे, जिसमें सबसे पहले एक्सटेरो रिसेप्टर्स, दूसरे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स और थर्ड थे इंटरनो रिसेप्टर्स. आज हम विजुअल परसेप्शन देख रहे हैं. विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म पर एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो वो उसको विजुअल पहले देखेगा और उसके बाद उसके लिए रिएक्शन देगा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन. जहाँ आँखों का यूज़ हो या फिर देखने से रिलेटेड चीज़ होगी उसको विजुअल परसेप्शन में काउंट किया जाएगा. सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट है द मोस्ट वाइडली डेवलप्ड, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं. ठीक है, इतना. तो द मोस्ट वाइडली डेवलप्ड रिसेप्टर ऑर्गन इन एनिमल इज द फोटो रिसेप्टर. अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रिसेप्टर ऑर्गन एनिमल्स में है तो वो कौन सा है, फोटो रिसेप्टर्स है. अब एक बात ज़रूरी होती है, यहाँ पर जो येलो से मार्क्ड है उसमें लिखा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है या ऑर्गेनिज्म उसको व्यू करना चाहता है तो ज़रूरी होता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है या तो वो सेल्फ लुमिनस हो, और सेल्फ लुमिनस नहीं है तो वो ऐसा हो कि वो विजिबल हो जाए बाय डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक डोर है यहाँ पर, उस डोर को अगर हम देखें तो हम क्यों देख पा रहे हैं उस डोर को, क्योंकि वो सेल्फ लुमिनस है, नहीं क्योंकि वो सेल्फ लुमिनस नहीं है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. हम उसको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जब उस पर लाइट आती है, फॉर एग्जांपल ये लाइट इसके ऊपर आई, तो जब वो उसको रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कॉज करता है और उस पर जो भी लाइट आती है, जैसे सनलाइट भी आ सकती है, कोई हमारी ट्यूबलाइट वाली आर्टिफिशियल लाइट या फिर बल्ब्स की लाइट है वो सब भी आ सकती है, तो वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से हम उसको देख पाते हैं. तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हो गई यहाँ पर. अब जो विजन रेंजेस होती है, ब्लू से जो मार्क्ड है हम उसको समझ रहे हैं. जो विजन रेंजेस होती है वो या तो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन से जो होती है लाइट की, सिंपली देखने से कि हम लाइट देख पा रहे हैं और डार्क देख पा रहे हैं, ये सिंपल डिस्क्रिमिनेशन होता है. यहाँ से लेकर रिजोल्यूशन ऑफ इमेजेस तक हो सकता है विजन रेंज. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें तो हम कहीं हद तक रिजोल्यूशन भी कर लेते हैं इमेजेस का, हम देख पाते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स देखना एक अलग बात होती है, फिर वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जगह पर रखे, उनके बीच में कहीं डिस्टेंस भी है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ इमेज करना. और यहीं दूसरा सिंपल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, अगर हम बस इतना बता दें कि हाँ अभी रात हो रही है और अभी सुबह हो रही है, तो ये सिंपल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा. तो ये दो तरह से विजन की रेंजेस हो सकती है. अब जो यहाँ पर सेकंड बात आ रही है वो है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो आँखें होती है, आईज होती है, वो जनरली ऐसी डिज़ाइन होती है कि वो छोटे से छोटा जो क्विक मूवमेंट भी होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये थोड़ी सी उनकी स्पेशलिटी होती है. अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आ रही है येलो पोर्शन से, जिसे हमने मार्क किया उसे समझते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं, हर इंसेक्ट में ज़्यादातर एक जनरल तौर पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट रहता है जो कि उसके हेड का जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है उसको कवर कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये हेड है किसी भी इंसेक्ट का, हम मान सकते हैं ये हाउस फ्लाई, ठीक है, जिसको डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका भी कहा जाता है. तो ये इसकी कंपाउंड आइज कुछ इस तरह से होगी जो उसकी करीब करीब पूरी जो हेड है उसको मैक्सिमम तौर पर कवर कर देती है. तो ये दोनों ऊपर जो मैंने चेकर्ड बोर्ड के साथ बनाई है वो उसकी आईज होगी और ये हेड होगा. तो इस तरह की चीज़ें इंसेक्ट्स में होती है. अब कंपाउंड आई के बारे में देख लेते हैं. ये जो कंपाउंड आईज होती है ये हंड्रेड्स ऑफ मिनी आईज से बनी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी आँखों से बनी होती है जिसमें छोटे छोटे टाइनी लेंस प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे लेंस प्रेजेंट होने के साथ साथ जो कंपाउंड आईज होती है इनमें हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आँखें बोल सकते हैं, जो कि हर डायरेक्शन की तरफ होती है. एक इस तरफ होगी राइट में, तो एक लेफ्ट में, तो एक बीच में, हर डायरेक्शन में फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो फैसेट होते हैं उनके अंदर देखें अगर हम, तो उसका जो कहना चाहिए फैसेट का जो लेंस वाला पोर्शन होता है उसके सरफेस पे सेकंड कॉनिकल लेंस प्रेजेंट रहता है, और जो फोकस रहता है जो कि जो लाइट का इसके ऊपर आता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है. एक फ्लाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है अ फ्लाई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको देख लेगा. क्यों देख लेगा? क्योंकि उसकी जो कंपाउंड आई थी उसके अंदर जो छोटे छोटे फैसेट्स थे वो हर डायरेक्शन की तरफ थे. इस वजह से किसी भी डायरेक्शन से, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, साइड वाइज, कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको देख लेती है. तो ये फ्लाई की बात हो गई. और अगर हम एक पिक्चर को कैप्चर करें बाय कंपाउंड आई, उसके थ्रू देखें, तो इनका जो विजन होता है वो जो कंपाउंड आई का विजन होता है वो कैसा होता है, ब्लर्ड,
मोजेक होता है। ब्लर्ड मोजेक का मतलब थोड़ा सा, जैसे ब्लर का मतलब होता है धुंधला, और मोजेक यानी कि जैसे अगर आप बात करें कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे ऐसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से डॉटेड फॉर्म में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो इसको मोजेक बोल सकते हैं, रादर देन द फोटोग्राफिक इमेज सीन विद अ सिंपल आई। अगर हम सिंपल आई की बात करें तो हमारी जो आंखें होती हैं वो कैसी इमेज देखती है, एक तरह से फोटोग्राफिक इमेज देखती है, हम लोग ब्लर्ड या फिर मोजेक इमेजेस नहीं देखते हैं। कंपाउंड आइज कैसी इमेजेस देखती है, ब्लर्ड और मोजेक, और हर डायरेक्शन से चीज़ों को देख लेती है। फिर हम बीज की बात करेंगे तो जो बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, तो इसमें क्या होता है, ये इनके अंदर जो पैटर्न होता है मतलब एक तरह का पैटर्न ये यूज़ करती है जिसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोला जाता है। इससे ये क्या करती है, टू लोकेट द सन्स पोजीशन इवन व्हेन इट इज़ कवर्ड बाय द क्लाउड्स। ये इनको अगर सन को देखना है तो ये उसको भी देख सकती हैं। अगर मान लीजिए बादल सन को कवर किए हुए हैं, मान लीजिए कभी कभी इस तरह का कहना चाहिए वेदर हो सकता है कि दिखाई नहीं देता सन, तो उस टाइम पे भी जो बीज होती हैं वो सन को देख पाती हैं ड्यू टू द पैटर्न दे आर यूजिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये वाला जो प्रिंसिपल था, ये जो थ्योरी थी, इसको जिन्होंने दी थी उनका नाम था कार्ल वॉन फ्रिश 1967। जो बीज होती हैं इनके अंदर एक स्मॉल डॉर्सल रीजन होता है रेटिना का, जिसमें रो ऑफ एनालाइजर होते हैं जो कि मैक्सिमली सेंसिटिव होते हैं टू अ डिफरेंट ई वेक्टर डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ज़्यादातर जो बीज होती मतलब जो बीज होती हैं उनमें स्मॉल डॉर्सल रीजन होता है रेटिना का, और उसमें रो ऑफ एनालाइजर प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमली सेंसिटिव होते हैं टू अ डिफरेंट ई वेक्टर डायरेक्शन। इसीलिए जब भी कोई बी लुक्स एट द पैच ऑफ पोलराइज स्काई लाइट द परसीव्ड डायरेक्शन ऑफ द ई वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय विच द एनालाइजर्स इन द एरे प्रोड्यूस द लार्जेस्ट आउटपुट। ये जो सेंटेंस था उन्होंने रॉसल और वैनर जो 1986 में आए थे उन्होंने इस बारे में बताया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है जो स्क्विड फिश और बर्ड्स होती हैं ये सभी जो हो रहते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बहुत सेंसिटिव होते हैं। स्क्विड जो होती हैं वो अपीयर टू डिटेक्ट देयर फूड द फिश बाय रिस्पोंडिंग टू द पैटर्न ऑफ पोलराइज लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ देयर शाइनी बॉडीज। जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडीज कैसी होती है, शाइनी होती है, तो जब उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट आउट होती है तो उस पर से जो पैटर्न बनता है पोलराइज लाइट का उसको देख कर जो स्क्विड्स होती है वो फिश की तरफ पहुँचती है और फिर उनको, क्योंकि फिश उनका प्रे होती है तो उसको खा लेती है। एक ज़रूरी बात ये भी होती है कि जो स्क्विड्स होती हैं इनकी आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और एक मतलब इसका अगर साइज़ की बात करें तो स्क्विड्स की आईज का जो साइज़ होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। बायोलुमिनेसेंस भी ये प्रोड्यूस करती हैं, तो इनका बहुत अच्छा रोल प्ले है इन सब चीज़ों में हमारे जूलॉजी के अंदर। तो आप चाहें तो बायोलुमिनेसेंस का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी चेक करेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पर फिगर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो फिगर है 7.3 उसमें बताया गया है कि क्लैम्स दिखाए गए, इनमें सिंपल आइज प्रेजेंट होती है, तो रो ऑफ सिंपल आइज इनमें होती है, और इनकी जो आइज होती है वो एक तरह से पिन होल कैमराज की तरह होती है, और जो इनकी आइज होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है लाइट को, और छोटे से छोटे मूवमेंट्स भी डिटेक्ट कर सकती है। दे आर एबल टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ प्रेडेटर्स सो दैट द क्लैम कैन स्नैप शट अंटिल द डेंजर हैज पास्ड। जब भी इसका दुश्मन या इसका जो प्रेडेटर है इसके आसपास होता है तो ये उसकी आंखें उसको देख लेती है, और ये उस टाइम के लिए कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए अपने आपका जो जो इसका वो होता है कवर उसको बंद कर लेता है, और उस डेंजर को पास होने तक ऐसे ही कंडीशन में रहता है। तो ये क्लैम की बात हो गई, इसमें कैसी आंखें थी, सिंपल आइज थी। फिर हमने कंपाउंड आइज देखी थी इंसेक्ट में, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी हाउस फ्लाई हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसकी आंखें अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन तक सिग्नल ले जाएंगे, आगे की तरफ कॉनिकल लेंस है, फिर लेंस है, और यहाँ पर फेसेट है। तो ये सारा इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो इसमें देख लिया। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। तो फिर जो फिगर 7.5 है इसमें बताया गया है जो फ्लावर्स बेड होते हैं अगर हम उसको देखें तो दो तरह से यहाँ पर फ्लावर्स बेड को ड्रॉ किया गया है। इसमें से जो पहला वाला फिगर है वो एक फोटोग्राफ है जो कि ह्यूमन आई देखती है। अगर हमारी आंखों की बात करेंगे तो हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह से देखेंगे जो पहले डायग्राम है। वहीं जो दूसरा डायग्राम है वो एक ऐसा डायग्राम है जो कि जो बीज होती हैं जो मधुमक्खी होती है उसकी आंखों में किस तरह से बनता है ये उसका डायग्राम है। तो फोटोग्राफ थ्रू अल्ट्रावायलेट सिस्टम अ स्ट्राइकिंग कोल्ड पैटर्न इज रिवील्ड। एक अलग तरह का पैटर्न बीज इस तरह से देखती है उसी चीज़ को, और जो फर्स्ट फिगर है उसमें हम देखते हैं उसका ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट देख, फिर हमारे पास कुछ नए स्टेटमेंट्स हैं, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं फिश और बर्ड्स, ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को। ये वाली जो स्टेटमेंट थी उन्हें जिन्होंने कहा था उनका नाम था बेनेट एंड कटहिल 1994, टॉवी 1995। ये जो एनिमल्स होते हैं ये लाइट को
जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है उसमें भी देख लेते हैं, विच आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई. जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते उन चीज़ों को फ्लाइंग इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स देख लेते हैं. बीज जो होती है वो फोरेजिंग ऑन फ्लावर्स रिस्पॉन्ड टू कलर्स एंड पैटर्न्स दैट आर इनविजिबल टू अस. तो ये बात अभी हमने बीज का आँखों का स्ट्रक्चर भी दिखा था, बीज भी ऐसी चीज़ें देख लेती जो हम नहीं देख पाते हैं. अब क्या होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, ये जो येलो पोर्शन से मैंने यहाँ मार्क किया उसके ऊपर ध्यान दीजिए. जो फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स में नेक्टर गाइड्स प्रेजेंट होती है. जैसे कि गाइड होता है, अगर हम गाइड की बात करें, गाइड का क्या मतलब होता है कि कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं टूर पे हम लोग जा रहे हैं तो एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें सही रास्ता बताता है, कौन सी जगह कहाँ पर है उस बारे में बताता है. उसी तरह जो फ्लावर्स होते हैं वो भी नेक्टर गाइड्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक तरह की रेडिएटिंग लाइन्स होती है कंट्रास्टिंग कलर की, जो कि पेटल्स पर प्रेजेंट होती है. और ये हेल्प करती है इंसेक्ट को, जिससे कि वो अपना एंट्रेंस बना पाए फ्लावर के अंदर और जहाँ पर वहाँ ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर नेक्टर होगा और फिर बाद में अपना हनी बना सके. तो इस तरह के नेक्टर गाइड्स फ्लावर्स खुद प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को. और सम फ्लावर्स अपीयर टू अस टू लैक नेक्टर गाइड ऑल टुगेदर. लेकिन कभी कभी ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें नेक्टर गाइड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट फोटोग्राफिंग देम थ्रू एन अल्ट्रावायलेट सिस्टम शोज दैट दे डू हैव पैटर्न्स बट एडेप्टेड टू द आईज ऑफ बीज नॉट ह्यूमंस. तो ये वाली बात हमें कैसे पता चली कि इनमें ऐसे गाइड्स हैं? हम तो फ्लावर्स को फ्लावर्स की तरह देखते हैं, हमें तो पता नहीं चलता कि किस में नेक्टर गाइड्स है किस में नेक्टर गाइड्स नहीं है. तो वो हमें ऐसे पता चला जब हमने उसको अल्ट्रावायलेट सिस्टम की फोटोग्राफिंग के थ्रू देखा, तो उस चीज़ों का हमें पता चल पाया. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. तो ये वाली चीज़ें हमने देखी. तो फिर बीज इसी वजह से उनको देख पाती क्योंकि उनके आँखों में ऐसे अल्ट्रावायलेट सिस्टम को देखने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं. फिर प्लमेज ऑफ बर्ड की बात करें तो जो प्लमेज होता है बर्ड का, वो सच एज गर्ल्स एंड स्नोई आउल्स का, विच वी थिंक ऑफ एज वाइट रिफ्लेक्स अल्ट्रावायलेट. यहाँ पर हम समझते हैं कि वो वाइट कलर का होता है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता होगा अल्ट्रावायलेट लाइट को, पॉसिबली मेकिंग देम वेरी प्रोमिनेंट टू अदर बर्ड्स. इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. बुरखार्ट 1989 ने कहा था, अल्ट्रावायलेट कलरेशन टर्न आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बर्ड कम्युनिकेशन. जो अल्ट्रावायलेट कलरेशन होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बर्ड के कम्युनिकेशन के लिए. अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की भी बात करें, पर्पल कलर से मार्क करा उस पर हम ध्यान दे रहे हैं. अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें सेवरल आईज प्रेजेंट होती है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारी आंखें होंगी. ऑल वर्टिब्रेट्स हैव जस्ट टू. लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस भी इसमें आ जाते हैं, तो उनमें क्या होती है, सिर्फ दो आँखें होती है और ये हमेशा पोजिशन रहती है हेड के ऊपर. वर्टिब्रेट्स जैसे कि रैबिट्स, अगर उनकी बात करें तो कॉन्स्टेंटली वो इधर उधर देखते रहते हैं ताकि उनका कोई डेंजर आसपास नहीं हो, उनको कोई खतरा नहीं हो. हैव आईज ऑन द साइड ऑफ द हेड टू गिव अ फील्ड ऑफ वाइड विजन, बट वाइल दे कैन सी ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, दे फील डिफिकल्टी इन जजिंग डिस्टेंसेज एंड स्पीड्स. भले ही वो हर डायरेक्शन में देख लेते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डिस्टेंस और स्पीड को जज करने में प्रॉब्लम आती है. वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो सामने से उनका प्रेडेटर आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, किस डिस्टेंस पर है, वो सारी चीज़ें वो पता नहीं कर पाते हैं. फिर येलो पॉइंट को देखना. एनिमल्स दैट हैव आईज पॉइंटिंग फॉरवर्ड आर बेटर एट डूइंग दिस. अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि ऐसी कौन सी आँखें जो ज़्यादा बेहतर है, अगर आगे फॉरवर्ड वाली आईज या फिर साइड वाइज जो आँखें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर है, क्या अच्छी होती है, तो सही आंसर होगा जो सीधी होती हैं. तो जो आईज फॉरवर्ड की तरफ होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आईज का विजन होता है वो एक दूसरे से फिर ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने की वजह से वो एक तरह का बायनोक्यूलर विजन बनाता है. बायनोक्यूलर वो होते हैं जो कि हम लोग, अगर देखा होगा आपने, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उससे हम व्यू करते हैं दूर की चीज़ें, तो उसको बायनोक्यूलर कहते हैं. तो बायनोक्यूलर विजन बनाने के लिए ज़्यादा अच्छी आँखें कौन सी होती है? जो कि फॉरवर्ड की तरफ हो. और ये हेल्प करती है हंटिंग एनिमल्स को और दूसरे एनिमल्स को सच एज ट्री लिविंग प्राइमेट्स टू जज डिस्टेंसेज मोर एक्यूरेटली, और इससे जो डिस्टेंस होते हैं उनको जज करना भी ज़्यादा आसान होता है. फिर फिगर देख लेते हैं. पहला जो फिगर है 7.6 जिस पे लिखा हुआ है, उसमें दो फिगर से पहला है आउल का और दूसरा है लॉरिस का. जो स्नोई आउल होता है वो एक इनहेबिटेंट होता है आर्कटिक का, यहाँ पर रहता है वो आर्कटिक्स में. और इसको देखा जाए तो आउल्स जो होते हैं, जिन्हें स्नोई आउल्स अगर हम कहें, तो ये जो डे टाइम होता है उस टाइम पे हंटिंग करते हैं. और जो प्लमेज होता है स्नोई आउल का वो वाइट कलर का दिखाई देता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है अल्ट्रावायलेट यूवी को, पॉसिबली मेकिंग देम वेरी प्रोमिनेंट टू अदर बर्ड्स. ये दूसरी बर्ड्स पे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसी वजह से दिखाई देते हैं. वहीं जो लॉरिस होता है वो बहुत स्लो कहना चाहिए एनिमल होता है, और ये नॉकटर्नल होता है. इसका मतलब क्या होता है नॉकटर्नल का, कि जो एनिमल्स रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं. दूसरे इसके अपोजिट होते हैं डायर्नल, जो कि डे टाइम पर एक्टिव होते हैं. तो जो लॉरिस होते हैं इनमें लार्ज आइज होती है, बड़ी आँखें, और ये क्या करते हैं सुबह के टाइम पे जितनी हो सकता है पॉसिबल लाइट्स को अपने आँखों में कैप्चर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. जिस वजह से रात का जब टाइम आता है तो इनकी जो आईज होती है वो ग्लूम करती है. तो ये इनका प्रोसीजर देखा हमने. नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड फिगर है हमारा, उसमें फिर आउल ही दिया गया है. इसमें फील्ड ऑफ विजन ऑफ एन आउल दिया गया है.
जो स्पॉटेड ईगल्स आउल होते हैं, इनकी आंखें ट्यूबुलर होती है, और जैसे कि ह्यूमन की आंखें होती है स्फेरिकल होती है, वैसे इनकी आंखें कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है। ट्यूबुलर शेप जो होता है आउल की आंखों का वो ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, यहाँ ड्रॉट जो ड्रू है तो उसमें जो लार्ज आइज होती है इसकी, इसको देख सकते हैं आप, ग्रेट डिटेल शो कर रही है। फील्ड ऑफ विजन आउल का ये लेफ्ट आई का है विजन, यहाँ बायनोक्युलर विजन आ रहा है और इधर राइट आई का विजन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने आउल के बारे में देखा। नेक्स्ट देख जो ग्रीन से मार्क्ड है उसको देखना है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है फॉर फॉर्मिंग इमेजेस ऑफन इन कलर। अगर हम देखें तो हमारी आंखें कलरफुल इमेजेस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियरली देख पाती है। वर्टिब्रेट्स की आंखें जो होती है वो उनकी जो बॉल्स होती हैं आँखों की वो क्लियर जेली की तरह होती है, जिसमें एक इनर लाइनिंग होती है लाइट सेंसिटिव सेल की, जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना जो होता है वो दो तरह के सेल से बना होता है, जिसमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स आ जाते हैं। रॉड सेल्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टू ऑल टाइप ऑफ लाइट। हर तरह की लाइट को अगर कोई सेल्स सेंसिटिव होते हैं तो वो रॉड सेल्स होते हैं, बट आर ओनली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। तो जो रॉड सेल्स होते हैं, आर से जो शुरू होते हैं, उनमें ब्लैक और वाइट इमेजेस ही फॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। कलर इमेजेस जो होती है उसको फॉर्म करने के लिए कोन सेल्स होते हैं। तो अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो कोन सेल्स भी सी से शुरू होते हैं और कलर इमेजेस भी शुरू जो होती है वो सी से होती है। तो हम उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि कोन सेल्स कलर इमेजेस और रॉड सेल्स ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। तो तीन तरह के कोन सेल्स हमारे पास हो सकते हैं, ईच ऑफ विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो तीनों तरह के कोन सेल्स होते हैं वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लो वेवलेंथ जो अपेयर करती है जैसे कि रेड, हाई वेवलेंथ जैसे कि ब्लू, विद ग्रीन कलर्स बीइंग डिटेक्टेड इन बिटवीन। तो इस तरह की चीज़ों के कलर्स को वो देखते हैं। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं इनमें एक तरह की नीड होती है ऑफ हैव एंड नीड ओनली रॉड्स इन देयर आइज। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं उनको सिर्फ आँखों में किसकी ज़रूरत होती है, रॉड्स की ज़रूरत होती है। क्यों रॉड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको रात के टाइम पे कलर तो वैसे भी दिखाई देना नहीं है, तो उनको जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो ब्लैक एंड वाइट ही होगी। तो उनके लिए ज़रूरी कौन सी चीज़ होती है, रॉड्स वाले सेल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे येलो से जो मार्क्ड है उसको देखना है। कलर विजन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स सच एज मंकीज़, क्योंकि जो मंकीज़ होते हैं उनको भी अपने कहना चाहिए जो फ्रूट्स होते हैं पके हुए फ्रूट्स उनको देखना है, लीव्स को देखना है, फ्रूट्स ट्रीज़ को देखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मंकीज़ को भी कलर विजन की ज़रूरत होगी। तो इनमें कहना चाहिए अगर कलर विजन की बात आ रही है तो कौन सेल्स भी आ जाएंगे। और जो कुछ बर्ड्स होती है जो कि साइट एंड साउंड से बहुत ज़्यादा सेंसेस उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे इन बर्ड्स ऑफ प्रे सच एज हॉक्स एंड ईगल्स, वो जो बर्ड्स जो कि प्रेस को हंट करती है, जैसे कि जो चील होती है जिसको हॉक्स एंड ईगल्स में काउंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ज़रूरी है इनके लिए फॉर फाइंडिंग एंड हंटिंग द प्रे दे नीड टू सर्वाइव। तो इनकी जो आंखें होती है वो एक्सेप्शनली लार्ज होती है इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द हेड। इनकी आंखें हेड के जो रेशियो होता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एंड दे आर सेट इन द स्कल सो दैट दे लुक, नेक्स्ट पेज पे, सो दैट दे लुक फॉरवर्ड। तो ये जो हॉक्स एंड ईगल्स होती हैं इनकी आँखें इस तरह से होती हैं, इनमें बाइनोकुलर विजन पाया जाता है और ये जो डिस्टेंसेज होते हैं उनको भी आसानी से जज कर लेती है। ये माइस, रैबिट्स, स्मॉल मैमल्स इन सबको आराम से स्पॉट कर लेती है और फिर वहाँ जाके आराम से उनका हंट भी कर देती है। फिर जो डायर्नल बर्ड्स होती हैं जो कि डे टाइम पर हंटिंग करती है, जैसे कि लाइट फेड होने लगती है तो फ्यू नॉक्टर्नल हंटर्स आ जाते हैं जो कि एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम पे, जैसे कि ऑल्स आउल्स आ जाते हैं। आउल्स जो होते हैं रात भर जागते हैं तो वो नॉक्टर्नल होते हैं। तो ये सारी चीज़ हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अफ्रीकन स्पॉटेड ईगल आउल जो होता है इसमें दो फॉरवर्ड फेसिंग आईज होती है, आगे की तरफ दो आंखें होती है जो कि एक तरह से गुड स्टीरियोस्कोपिक 3D विजन शो करती है, जिसमें एबिलिटी होती है टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द प्रे माउस इन द ग्रास 100 मीटर अवे। तो इतनी ज़्यादा मतलब कहना चाहिए स्पेसिफिक चीज़ें भी इनकी आंखों में होती है, 3D भी देख लेती हैं, ऊपर से जो 100 मीटर दूर अगर कोई माउस है तो उसको भी देख लेती है। तो इस तरह के अफ्रीकन स्पॉटेड ईगल आउल भी होती है, तो उसको हमने देखा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इसमें दी गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, वी आर नॉट सेंसिटिव टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होती है लाइट की उसको सेंसिटिव नहीं होते। लाइट रीचिंग अस फ्रॉम एरियाज ऑफ ब्लू स्काई इज वाइब्रेंटली प्रीडोमिनेटली इन वन प्लेन नोन एज ई वेक्टर। तो ई वेक्टर में तो होती है, एंगल ऑफ दिस प्लेन चेंजेस इन रेगुलर फैशन विद रिस्पेक्ट टू द सन एज इट मूव्स अक्रॉस द स्काई, सो दैट एनिमल्स दैट यूज द सन फॉर नेविगेशन कैन नो वेयर द सन इज ई If all they can see is a patch of blue sky, Brines and Gold, 1982। तो ये सारी चीज़ें हमने विजुअल परसेप्शन में देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट परसेप्शन देखेंगे वो हियरिंग में आ जाएगा, और ये पूरा जो पोर्शन है हम एनिमल बिहेवियर में देख रहे हैं वो वीडियो नंबर 3 होगी जिसमें हम हियरिंग के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।